नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सिल्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपकी सुरक्षा में तैनात वर्दीधारी पुलिस कर्मी ही आपके मोबाइल सहित आपके बैग को पार कर दे तो आप उसे क्या कहेंगे? आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए और ट्रेन में सफर के दौरान सतर्क रहिए। देखिए यह रिपोर्ट। जबलपुर इटारसी के बीच कुछ ऐसे शातिर चोर सक्रिय हैं जो जीआरपी पुलिस की वर्दी में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, जो आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर आपके कीमती सामान को लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। गाडावाड़ा पुलिस ने ऐसे ही एक फर्जी पुलिस को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनों में पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी करता और यात्रियों के बैग, बटुआ, मोबाइल लेकर गायब हो जाता है। ऐसे यह शातिर अपराधी ट्रेनों में चोरी को अंजाम देता है। सुनिए खुद उसी की मुंह जुबानी। 6 महीने से। तो ये पुलिस की ड्रेस कहाँ से मिली आपको? ट्रेन से। फिर मतलब ये मार्च में मिली थी। कौन सी ट्रेन से थी, क्या था? नर्मदा एक्सप्रेस से मिली थी। फिर मतलब 4 दिन रखी रही, फिर मैंने चोरी करी थी ना उसमें। वर्दी भी चोरी करी थी। हाँ, उसमें। फिर ड्रेस पहन के क्या करते थे ट्रेनों में? नहीं, वो ड्रेस तो सर बचने के लिए थी। क्या करते थे, बचते कैसे? बचते थे वो ड्रेस पहन के, वो टीसी सर भी मतलब शक नहीं करते थे और जीआरपी वाले नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? शिवम बड़कर। वो यूनिफॉर्म में था, जो हम उसके नेम प्लेट पढ़ा तो उसने रामा सिंह धुर्वे नेम प्लेट लिखा था, तब हमें संदेह हुआ और उसको हम विभागी के बारे में जानकारी जानना चाहा, लेकिन वो स्पष्ट नहीं बता पाया। तब हम उसे थाना लेकर आए और पूछताछ के बाद हमें पता चला कि ये नकली यूनिफॉर्म लगाकर व्यक्ति है, और गहराई से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं रेलवे में वर्दी पहनकर ट्रेनों में यात्रियों के बैग सूट के साथ ही चोरी करता हूं, जो उसने स्वीकार किया। तब उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मेरे द्वारा स्टाफ के साथ सर्च किया गया, जहां वह राजेंद्र कुर्मी के मकान में रहता था और वहां से उस कमरे से काफ़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, ट्रॉली बैग, घड़ियाँ, सभी सामान बरामद की। ब्यूरो रिपोर्ट, गाडरवाड़ा।